नमस्ते दोस्तों, मोटिवेटिंग विद कृष्णा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आचार्य चाणक्य एक ऐसे महान विद्वान थे जिनकी बताए हुए बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि उनके समय में भी थी। चाणक्य एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपनी कूटनीतियों के बल पर साधारण सा चंद्रगुप्त को मगध का राजा बना दिया था। चाणक्य ने खुद चाणक्य नीति नामक एक किताब लिखी जिसमें मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का नीतियाँ बताई हुई है। इस वीडियो में मैं जो नीतियों के बारे में बताने वाला हूँ, अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में इस नीतियों को अपनाए तो वो मनुष्य कोई भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप सब कॉमेंट में बताना चाणक्य के कौन सी नीतियों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। मनुष्य को अपने वश में करने का चार तरीके होते हैं। पहला, लालची। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को तो आप जानते ही होंगे। लालची व्यक्ति अपनी लालच को पाने के लिए हर हद पार कर सकते हैं। लालच का भी प्रकार होते हैं, किसी को धन का लालच तो किसी को वस्तुओं का। आप भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसे व्यक्तियों से मिले तो होंगे ही। जब उन्हें आपसे कुछ चाहिए होता है तो आपसे मीठी मीठी बात करेंगे, आपके हर काम में मदद करने का प्रयास करेंगे, जब तक उन्हें जो आपसे चाहिए वो मिल नहीं जाता। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि लालची लोगों को धन देकर बस में किया जा सकता है, और उसमें भी आपको उनको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना चाहिए। लालची लोगों को थोड़ा थोड़ा करके देकर बस में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपके तरफ देखेगा भी नहीं और ना ही आपकी कोई बात मानेगा। दूसरा, अहंकारी। आचार्य चाणक्य ने अहंकारी लोगों को भी वश में करने का तरीके बताए हैं। अहंकारी तो अहंकारी होता है, उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे उसे अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार अगर आप तोड़ दे तो आपका कुछ काम का नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके ही दुश्मन बन जाएगा और आपको ही दुश्मन मानेगा और आपके लिए मुश्किल बांध सकता है। अहंकारी मनुष्य हमेशा स्वयं के तारीफ के भूखा होता है। जो व्यक्ति उनका तारीफ करता है वो उनकी बात तुरंत मान लेता है और उसके ऊपर विश्वास भी करता है। इसीलिए चाणक्य कहता है, अहंकारी आदमी को आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़ करके बस में कर सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति से कभी दुश्मनी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार के बस में आकर वो आपका बुरा कर सकता है। इसीलिए ऐसे व्यक्तियों से हमेशा बचे और उसका तारीफ करे। तीसरा, मूर्ख। मूर्ख व्यक्ति उसे कहते हैं जिसे ना समाज का ज्ञान होता है और ना ही स्वयं के हितों का ज्ञान होता है। वो बिना विचार करे कुछ भी बोलने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते रहते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाता है और जीवन में हमेशा असफलता का शिकार बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके बस में ही काम करने लगता है, उसकी बात मान के चलता है। आपको भी कभी ना कभी ऐसे मूर्ख मिले होंगे। कभी कभी ऐसे मूर्ख व्यक्ति ऐसी कठिन परिस्थितियों में फंस जाता है जहाँ से वो निकल नहीं पाते। ऐसी परिस्थितियों में जो कोई भी उन्हें सही राह दिखाता है वो उसके बस में ही हो जाता है। चौथा, विद्वान व्यक्ति। आप सभी तो जानते ही होंगे, विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को भले कोई कैसे बस में कर सकते हैं। वैसे तो ज्ञानी और विद्वान व्यक्ति ही सबको वश में करते हैं और सच्चे राजकर्ता होते हैं। महाज्ञानी चाणक्य जी स्वयं एक विद्वान थे, उन्होंने इसका भी हल बताया है। विद्वान व्यक्ति हमेशा सच्चाई पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान लोगों को अगर वश में करना है तो उन्हें हमेशा सच बताना होगा, सच बता के उसका भरोसा जीतना होगा। भरोसा जीतने के बाद अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो भरोसे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छे लगे हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।